बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम फार्मिंग में खुश आमदेद, और मैं हूँ जावेद कमेना। मैं एक पहलू को नज़रअंदाज करता आ रहा था कि कुछ दोस्तों ने सवाल किए और मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तानी बहन भाई या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, रकबा नहीं है। अब कई दोस्त सवाल करते थे कि क्या अगर वो जो है वो हमारी छत है, ज़मीन नहीं हमारे पास, उस पर काश्त हो सकता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि 6-7 ऐसे मौजूदात हैं अगर वुड के ऊपर, जिसमें अगर मैं गाइड करूं तो वो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो अगर वुड का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं या उससे कैसे मुनासिब पैसे कमा सकते हैं। इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एक करके जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अगर वुड से पैसे कमा सकते हैं बग़ैर फार्मिंग किए भी। वो क्या है उसकी मैं पूरी तफसील बताता हूँ, और ये किस्त वाइज प्रोग्राम होंगे। मैं आज पहले एपिसोड जो है वो आपके सामने ला रहा हूँ। जिन दोस्तों के पास ज़मीन नहीं है वो, या वो जो फाइनेंशियली कुछ कमज़ोर हैं, या वो मेरी बहनें ख़वातीन जो घरों में बैठकर काम करना चाह रही हैं, वो इस तरह ओपन काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए बेहतरीन चॉइस है कि आप अगर उनके सीड लेकर कहीं से भी, मेरे से ले लें या किसी और से ले लें, उसको घर में ग्रो करके उसके पौधे बनाकर वो पौधे अगर सेल करें तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब इसके लिए बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि सीड मेरे से लें या किसी और से लें, वो फ्रेश होने चाहिए। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर जब जंगल से इसका फ्रूट टूटता है, वहाँ से लेके हमारे पास पहुँचने तक, यानी कि जब हमने जर्मिनेट करना है उस वक्त तक, अगर तो 15 दिन के अंदर ये सीड आपके पास पहुंच जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद ये 45 डेज़ के अंदर अपना पौधा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और उसको मज़ीद 2-3 माह आप अगर बड़ा करें थोड़ा सा तो ये 4-5 इंच का हो जाएगा। यानी मैक्सिमम 6 माह की उम्र में ये 4 से 5 इंच तक पौधा चला जाता है। अगर उसको उस हालत में बेचेंगे तब भी मुनासिब पैसे मिल जाएंगे। अगर उसको मज़ीद इंतज़ार करके, बड़ा करके, उसकी हाइट अच्छी करके बेचेंगे, उसके मुताबिक आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक आइडिया ऐसा था। अब मैं बताता हूँ कि इसको आपने करना कैसे है। और कल को एक सवाल है कि जी हम पौधे तैयार कर लेंगे तो बेचेंगे कैसे, तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान में जो नॉर्मली एक लोगों के जहन में है कि सीड की जर्मिनेशन के 2 सीज़न होते हैं, फरवरी से लेके अप्रैल तक या जुलाई अगस्त सितंबर तक। पाकिस्तान के मुताबिक तो बिल्कुल ही ऐसे ही है, लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर अगर वुड काश्त हुआ था तो वो पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक काश्त हरगज नहीं हुआ था। अब इसका तरीका ये है कि जिस मुल्क का सीज़न चल रहा होता है, यानी इस वक्त इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड और इंडिया, हम इंडिया को एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी स्पेशी या वराइटी को बहुत शानदार नहीं है। बाकी मुल्कों का भी अगर देखें तो जिस मुल्क का सीज़न चल रहा हो, हर मुल्क का सीज़न मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर गंदम का सीज़न डिफरेंट है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर गंदम का सीज़न डिफरेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन बाकी ममालिक जो उनका मुख्तलिफ सीज़न होता है, मुख्तलिफ महीने होते हैं। तो जिस का सीज़न चल रहा हो मुल्क का, वहाँ से फ्रेश सीड मंगवाएँ, वो किसी से भी मंगवाएँ जो पाकिस्तान के अंदर सीड बेचने वाले हैं, उनसे वो लेके ग्रो करें। और ग्रो करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, ग्रो का तरीका भी बताता हूँ, और फिर आपने पौधे इसके बेचने कैसे है वो भी आज तरीका बता देता हूँ। ये सीड जो है ये मैंने पहले बताया कि फ्रेश होना लाजमी है, ये पहली शर्त है। दूसरा, इसको इनडोर जर्मिनेट करना है, ये डायरेक्ट ज़मीन के अंदर बीज नहीं लगता होता। इसको गमले के अंदर एक कम्बिनेशन बना लें मट्टी का और गोबर की खाद का या कोकोपीट का, तो उसके अंदर इसको इनडोर लगाना है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े। मज़े की बात यह है कि वियतनाम का जो सीज़न चलता है वो पीक का जो सीज़न है वो जून जुलाई का होता है। पाकिस्तान के अंदर जून जुलाई शदीद गर्मी होती है, और एक लम्हे के लिए हम सोच सकते हैं कि जर्मिनेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जब फ्रेश सीड आएंगे तो 15 दिन के अंदर लगाएंगे तो वो लाजमी जर्मिनेट कर जाता है। अब उसको आपने पानी देना है फवारे के साथ, सिर्फ फवारे के साथ, और इतना पानी देना है कि उसकी जो ऊपर की सतह है वो उसमें नमी आए, नीचे पानी उसकी तह तक कभी ना जाए। अगर वो चला गया तो सीड को फंगस लग देगी और सीड ख़राब हो जाएगा। इसी तरह जब आप देखें कि उसकी तह खुश्क हो रही है तो उसको फिर शावर के साथ 3-4-5 फुहारे पानी के लगा दें,
और उसके बाद उसकी वो सतह जो है वो नमी उसके अंदर सिर्फ आ जाए, इतना इतना सिर्फ पानी देना आपने। 45 डेज के अंदर जब ये ग्रो कर देगा, आपने इसको उसी जगह पर ही रहने देना जहाँ पे आपने इसको ग्रो किया है, साई के अंदर। साई से मुराद मैं एक चीज़ बड़ी वाजह कर दूँ, क्योंकि माजी में काफ़ी दोस्तों ने इस तरह किया था, मैं साया बताता था कुछ ये कह लें कि मेरे डिफ्रेंशिएट करने में या एलेबोरेट करने में कोई कमी रह गई होगी। बरामदा या पोर्च, सिर्फ ये दो चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे ये इंडोर टाइप होता है। इंडोर से मुराद बंद कमरा हरगज नहीं है, वहाँ पे हब्स होती है, वहाँ कुदरती लाइट नहीं पहुँचती, वहाँ कुदरती वेंटिलेशन नहीं होती है, लिहाजा बंद कमरे में नहीं करना और दरख्तों के साए के नीचे नहीं रखना। ये भी बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे किया था। बरामदा या गराज में बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ इन दो जगहों पर आपने इसको रख के इसको आपने ग्रो करना है। जब ये ग्रो हो जाएगा इसको वहीं पड़ा रहने दें, एंटीनालिस के ये 4 से 5 या 6 इंच का ना हो जाए जितना आपने इसको बढ़ाना है, यानी 1 साल तक आप इसको इंडोर वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अब जब पौधे तैयार हो गए तो बेचने कहाँ पे हैं, बड़ा आसान तरीका है। फेसबुक के ऊपर एक अपना पेज बनाएं और मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर के ग्रुप हैं कुछ तकरीबन 100-200 ग्रुप वो ज्वाइन कर लें, वक्त से पहले ही ज्वाइन करके रख लें ताकि आप उन ग्रुप्स का हिस्सा हों, उनके मेम्बर्स हों। जैसे ही आपके पौधे तैयार हों आप उसकी एक पोस्ट बनाएं, वो पोस्ट बना के सारे ग्रुपों के अंदर शेयर करें, जी मेरे पास अगरबुड यानी ऊद के पौधे अवेलेबल हैं, तो लोग आपसे रब्ता करके आपसे खरीद लेंगे। ये आज एक पहले मरले की वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, वो किस तरह अगरबुड और ऊद से पैसे कमा सकते हैं। उसमें मेरी बहनें भी शामिल हैं जो घरों में बैठ कर भी काम कर सकती हैं, या वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, घरों की छतें हैं, वो वहाँ पर घर की छत पर तो नहीं तो गैराज के अंदर या इस तरह के टेरेस हो, या अगर छोटा सा सेहन भी है तो उसके अंदर आप ग्रीन हाउस बना के भी ये काम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है इंडोर उसको करने का, वो करके अपने कारोबार कर सकते हैं और अगर वो उससे पैसे कमा सकते हैं। अगले वीडियोस के अंदर मैं मज़ीद इसके काफ़ी आइडियाज़ दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं अगरबुड की जिसे आप बगैर फार्मिंग किए पैसे कमा सकते हैं और आप भी अगरबुड के क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।